चीज़ कैसल में जो एक रेलिक था जो कि एक जीसस के क्राउन का एक छोटा सा टुकड़ा था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। जब नेपोलियन यहाँ पे राज कर रहे थे तो ये मॉनेस्ट्री काफ़ी देर तक बंद हुआ करती थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज फिर से हम आए एक नए हाइक पे और आज का जो हाइक है ये काफ़ी छोटा हाइक है। आज का जो वेदर था ये काफ़ी क्लाउडी एंड रेनी वेदर था और इसी के कारण हमने आज काफ़ी छोटा हाइक चुना था, बट वेदर ने काफ़ी धोखा दिया। आज यहाँ पे हम जब पहुँचे तो यहाँ पे वेदर काफ़ी क्लियर है और थोड़ा सूरज भी आ रखा है। आज का जो हाइक है हमारा, ये जो हाइक है ये काफ़ी फेमस है यहाँ के लोगों में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तीर्थ यात्री आते हैं इस प्लेस पे। इस माउंटेन को होली माउंटेन भी बोला जाता है और इसका नाम है एंडेक्स मॉनेस्ट्री। ये जो एंडेक्स मॉनेस्ट्री है, यहाँ पे पहुँचने के लिए आप म्यूनिक से डायरेक्टली ट्रेन ले सकते हैं, S-Bahn ले सकते हैं S8, जो कि आपको डायरेक्टली हर्शिंग ट्रेन स्टेशन पे छोड़ेगी, और हर्शिंग ट्रेन स्टेशन से फिर आप डायरेक्टली बस भी ले सकते हैं, जो बस आपको डायरेक्टली एंडेक्स मॉनेस्ट्री छोड़ती है। अगर आपको ये बस नहीं लेनी है और नेचर एक्सपीरियंस करना है तो आप हाइक कर सकते हैं, जो कि हर्शिंग से आप डायरेक्टली हाइक कर सकते हैं एंडेक्स मॉनेस्ट्री, जो कि 1 घंटे की दूरी पे है। चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कैसा ये हाइक। आज का जो हाइक है हमारा, जिसका नाम है एंडेक्स मॉनेस्ट्री, इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ का जो शासक था, उसका जो कैसल था, वो इस हिल पे बनाया गया था और ये शासक उस समय का रोमन एम्पायर में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल शासक माना जाता था इसको, और इसकी जो एक बेटी थी इसको सेंट की पदवी से नवाजा गया था, और इसी के बाद इसके बेटी की शादी एक पोलैंड के काफ़ी फेमस राजा से हुई थी। और इसकी प्रगति को देखकर इसके जो दुश्मन थे, इन्होंने धीरे धीरे इसके साम्राज्य को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। और इस जर्मनी का जो और एक साम्राज्य था जिसका नाम था वेटलबैक, इसने जब इस कैसल पे हमला किया था तो इस कैसल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया था। और माना जाता है कि इस कैसल में जो एक रेलिक था, जो कि एक जीसस के क्राउन का एक छोटा सा टुकड़ा था, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। बट 14th century में ये रेलिक्स वापस खोजा गया था यहाँ पे, और उसी के बाद से इस माउंटेन को होली माउंटेन कहा जाता है। 15th century में बेनेडिक्ट जो मॉन्क्स थे ये यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने एक मॉनेस्ट्री बनाया था, और ये मॉनेस्ट्री काफ़ी सारे वॉर्स से बची रही यहाँ पे। लेकिन जब एक दिन यहाँ पे बिजली गिरी तो ये मॉनेस्ट्री पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। 1755 में एक नई मॉनेस्ट्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई थी, एंड जो इंटीरियल है अंदर का, अभी आप जो इंटीरियल देख सकते हैं या जो मॉनेस्ट्री देख सकते हैं, ये मॉनेस्ट्री 1755 में बनाई गई थी। और उसके बाद जब नेपोलियन यहाँ पे राज कर रहे थे तो ये मॉनेस्ट्री काफ़ी देर तक बंद हुआ करती थी, बट 1850 में जो बवेरिया का राजा था जिसका नाम था लुडविक, जब उसने ये जो हिल था इसको ख़रीदा और ये जो मॉनेस्ट्री थी इसको वापस मॉन्क्स को दी गई, तो तब से ये मॉनेस्ट्री अभी तक खुली है और आप ये मॉनेस्ट्री पे विज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस।
अभी हम पहुंच चुके हैं एंडेक्स मॉनेस्ट्री, जो कि 1755 में बनाई गई थी, और इसका जो इंटीरियर था वो भी 1755 में बनाया गया था। तो अंदर जाके देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। अभी हम पहुंच चुके हैं बियर गार्डन, जो कि मॉनेस्ट्री के जस्ट साइड में है। और ये बियर गार्डन की जो कैपेसिटी है, ये 3,500 लोगों की कैपेसिटी है। और ये बियर गार्डन अभी पूरी तरह भर चुका है, और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया माहौल है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी आवाज़ें, तो मेरी जो आवाज़ है वो काफ़ी कम आएगी। तो जो बियर मिलती है यहाँ की, उस बियर की जो हिस्ट्री है, उस बारे में बात करेंगे बाहर जाके। बियर गार्डन में काफ़ी ज़्यादा शोर था, और इसी के कारण कुछ बातें अधूरी रह गई। जितनी पुरानी ये मॉनेस्ट्री है, उतनी पुरानी यहाँ की ब्रेवरी है। और ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ के मॉन्क्स थे, जब ये फास्ट किया करते थे, तो ये बियर से ही अपना गुजारा किया करते थे। और उस ज़माने में यहाँ पे 3 टाइप की बियर मिला करती थी, लाइट, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग। तो लाइट बियर जो रहती थी, जिसमें काफ़ी लो अल्कोहल परसेंटेज हुआ करता था, ये सिर्फ़ यहाँ के विजिटर्स को दी जाती थी। मीडियम लेवल की जो बियर थी, ये जो यहाँ के मॉन्क्स थे, सिर्फ मॉन्क्स को ही प्रोवाइड की जाती थी। और जो स्ट्रॉन्ग लेवल की बियर थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल परसेंटेज था, ये बियर सिर्फ यहाँ के हाई सोसाइटी के लोगों को दी जाती थी। और ये जो आज का हाइक था, जिसका नाम था एंडेक्स मॉनेस्ट्री, सो इसी के नाम पे ये बियर का नाम है एंडेक्स। सो ये जो बियर है, ये आपको यहाँ के जो लोकल शॉप है, जस्ट मॉनेस्ट्री के साइड में काफ़ी सारे लोकल शॉप है, तो इन लोकल शॉप में आप ये बियर ख़रीद सकते हैं। और यहाँ के जो फेमस बियर है, जिसको जर्मन में बोला जाता है डुंकेल डुपल बॉक, सो ये एक डार्क बियर है, और ये डार्क बियर में काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल परसेंटेज पाया जाता है, और ये यहाँ की फेमस बियर है। और आज का हमारा सफ़र ख़त्म होता है यहीं पे। मिलते हैं आपको अगली बार एक नए प्लेस पे। तब तक के लिए अलविदा।